नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत बड़ी सूचना दी गई है और बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अपने हो सकता है कहीं ना कहीं ये सूचना पा भी गए हों, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे जो हमें कुछ पॉइंट मिल रहे हैं इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप चैनल पे नए हो और आप सिविल सेवा परीक्षा में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो टीम परीक्षा प्लस आपकी आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। अभी देखा जाए तो है क्या, ये 2645 पद जो अगस्त में आने हैं उसके बारे में यूपीपीएससी ने बोला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसने एक नोट दिया है और जिस परीक्षा की आप सबसे ज्यादा इंतजार कर लो जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और एपीएस की परीक्षा जो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी परीक्षा है, स्टेने वालों इसे देते हैं। बहुत बेहतरीन परीक्षा है ये भी, ये दोनों ही परीक्षाओं की हिंट दे दिया। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि अभी एपीएस तो कुछ नहीं आएगा, ये एक साल तक टरा रहेगा, ऐसे केवल हवा हवाई है। देखिए कुछ बातें मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब मैं लेके आता हूँ तो बहुत सोच समझ के लेके आता हूँ, अन्यथा मैं नहीं लेके आता, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो एपीएस भी आ रही है, आरओ भी आ रही है। कुछ लोग मई में ही इसका विज्ञापन निकाल रहे थे, कुछ मई से टल के जून में निकाले, कुछ जून से जुलाई में पहुंचे और कुछ बच्चे फिर भी अगस्त तक अटके हुए थे। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था कि आपका जो विज्ञापन है वो अगस्त के बाद के महीने में, हो सकता है सितंबर या हो सकता है सितंबर लास्ट या हो सकता है अक्टूबर के पहले महीने में आपका विज्ञापन आएगा। अच्छा खासा पद है आपका आरओ एआरओ यूपीपीएससी में, इस बार ठीक ठाक पद आ रहे हैं और पद तो ज्यादा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ऐसे में काउंट होता है, बहुत अच्छा पद होता है, लेकिन इसके लिए भी आप ऐसे इन जनरल तैयारी नहीं कर सकते, बहुत गंभीरता और बहुत पेशेंस के साथ आपको तैयारी करनी होती है। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि ओ लेवल की समकक्षता को लेके जीओ आया हुआ था कि बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट जो ओ लेवल के समकक्ष हो सकते हैं, जिसके चलते ऐसे बच्चे जो अभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे वो क्या हुआ है, उनको एक बहुत बड़ी होप दिखी है कि आरओ एआरओ में भी हमें चांस मिल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि अवसर ज्यादा लोगों को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे एक थोड़ी सी तकलीफ वाली बात उन बच्चों के लिए है जो बाकी सारी चीजें छोड़ के केवल सिविल सेवा परीक्षा यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस की बात किया जाए या फिर आरओ आरओ को अपना सपना बनाए हैं, क्योंकि नो डाउट कि अभी आपको एक बीट करना पड़ेगा, इस बार कॉम्पिटिशन आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा और आपकी रणनीति भी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। रही बात एपीएस की, तो एपीएस में पहले भी कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था, अब भी कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है और आरओ आरओ के जस्ट बाद एपीएस आने वाले। कुछ लोगों का कहना है कि एपीएस 2023 से पहले नहीं आएगी, मैं उनको अभी भी बता दे रहा हूं कि आरओ आरओ आने के मुश्किल से 15-20 दिन बाद एपीएस भी आ जाएगी और अगर एक ही साथ आ जाए तो कोई ये ताज्जुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये दो परीक्षा आपके लिए है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि यूपीपीएससी की नोटिस क्या है और ऐसे हिंट क्या मिल रहा है इस चीज को। अभी यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आज ही अपडेट हुआ है और इसे अगर आप देखोगे डिटेल्स ऑफ फोर्थ कमिंग एडवर्टीजमेंट फॉर 2023 और इसमें इन्होंने जो इनकी जो पीडीएफ है, इनकी जो नोटिस है, वो मैं आपको एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने कुछ परीक्षाओं की बात की है, हालांकि इन्होंने देखिए 28 जुलाई की है, अभी शाम में आई थी और इसमें कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टाफ नर्स का है। ये 2240 पद आ रहे हैं, काफी संख्या में पद आ रहे हैं और इतनी संख्या यूपीपीएससी से इतने पद आना वाकई में ज्यादा संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पे 300-400 के पद ही देखे जाते हैं और इनका भी माह अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 12 से 13 अगस्त के बीच में आपका यहाँ पे ये आएंगे। और सारे ही यहाँ पे सहायक नगर नियोजक की बात किया जाए, स्टाफ नर्स आयुर्वेद में भी आना है, सहायक रसायनज्ञ की बात किया जाए, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथिक प्रोफेसर या उपनिदेशक, ये सारे ही जो पद हैं इनमें मुख्यतः क्या है, ये स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या लिखा है, नोट लिखा, नोट में इन्होंने एक बात कह दी कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा आने वाली है। दूसरी बात, अपर निजी सचिव परीक्षा एपीएस जिसे बोला गया, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आदि संभावित है। अपनी नोटिस में इन्होंने देखा जाए तो आरओ एआरओ से पहले एपीएस की जिक्र किया है और अगर यहां पे आयोग कोई चीज उनके एक एक शब्द का, उनके लिखने के एक एक पैटर्न का मतलब होता है, इस बात को आप समझिएगा, तो पहले जो क्रम लिखा है इसी क्रम में आपके विज्ञापन भी आ सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास बहुत कंफर्म ये स्टिल बहुत कंफर्म नहीं है कि पहले एपीएस आएगी कि समीक्षा अधिकारी, बट यहां से हिंट लगाया जा सकता है कि हो सकता है एपीएस उसके साथ या उससे पहले भी आ सकती है, इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। ये दिमाग में मत रखिएगा कि एपीएस हो सकता है कि अगले साल है, जो भी ये कह रहा है
वो आप बातें सुनो, उसको गंभीरता से लो और उसके बाद फिर अपना खुद विचार विमर्श करो और क्या हकीकत है क्या सही है उस पर भी थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक लगाओ। बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है। और इसके संबंध में आपको ओटीआर करना है ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने जो हिंट दिया उस हिंट के तर्ज पे आप यहाँ पे बोल सकते हो। हिंट इन्होंने क्या दिया है कि राज्य कृषि आपकी पहले आएगी, फिर अपर निजी सचिव आएगा एपीएस, उसके बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और लगभग 350 के पद आसपास में आ रहे एपीएस के, लगभग 400 के आसपास पद आ रहे, 400 चाहे 10-20 कम चाहे 10-20 ज्यादा आ रहे आपके आरओ एआरओ में और आपके बाकी जो क्या है इसमें राज्य कृषि सेवा परीक्षा में, इनमें भी आपके अच्छे खासे पद आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक आपका अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के भी विज्ञापन जारी होने वाला है, उसमें भी मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि यहाँ पे सब कुछ सही है और ये भी मैंने बोला था कि इस बार आरओ के पद एआरओ के पद से ज्यादा आने वाले हैं, वो भी मैंने आपको इसका साक्ष्य दे दिया था, तो वो भी आपका कभी भी आ सकता है और अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। तो रही बात की हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपके सामने हिंट तो आयोग दे रहा है, अब आप चाहे बुद्धिमान बनो या फिर बुद्धू बन के बैठे रहो, दोनों आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप जो भी परीक्षा की तैयारी करो, चाहे वो मैं अलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की बात करूं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की बात करूं, चाहे मैं अपर निजी सचिव की बात करूं या फिर किसी सेवा की बात करूं, एक्सवाइजेड कोई भी परीक्षा है, एक बात आप समझना कि परीक्षा का पैटर्न आसान नहीं होने वाला। और खासकर यूपीएससी से जो भी परीक्षाएं हैं, आप हाल फिलहाल के सारे पेपर को देखोगे, आप गत वर्ष में जो आरओ एआरओ उसकी परीक्षा उसके पेपर को उठा के देख लो, आपका जो प्रीलिम्स हुआ यूपीपीएससी का उसका पेपर उठा के देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि जो पेपर पहले बनता था वो अब अलग आ रहा है, अब केवल पूर्वलोकन से ही काम नहीं चलेगा। नो डाउट पूर्वलोकन आज भी आपके लिए सबसे अच्छी किताबें हैं, उसमें सबसे अच्छा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रीवियस पढ़ लोगे उतना ही ज्यादा आप आयोग के क्लोज आ जाओगे, परीक्षा के क्लोज आ जाओगे, लेकिन उससे अतिरिक्त आपको अपनी समझ से और कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना है, बहुत बारीकियां से पढ़ते हुए चलना है। वो जमाना खत्म हो गया जब आप केवल फैक्ट पढ़ के और अपनी परीक्षा निकाल लेते थे। एक बात मैं और यहाँ पे बोलूंगा कि अगर आपको आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो ना, तो प्रीलिम्स पे पूरा दम लगा दो, आपके सामने कुछ भी हो, क्योंकि मेंस इसका कठिन नहीं होता। मेंस में मैं आपको पैटर्न बता दूंगा, आप केवल उसी तैयारी कर लोगे, निश्चित रूप से आपका मेंस निकल जाएगा। लेकिन इस वैसे तो प्रीलिम्स कठिन होता ही होता है और इस बार का प्रीलिम्स और भी कठिन होगा, क्योंकि इस बार गल्ला काट प्रतियोगिता आपके सामने आने वाली है। दूसरी बात, अगर जैसे जो बच्चे कई बार बोल रहे थे सर इसके लिए कोर्स क्या कैसे तैयारी करें, मैं उनको पहले ही बोल रहा था कि टीम परीक्षा प्लस इसकी बहुत बेहतरीन कोर्स चला रही है और सारे ही पार्ट का अगर देखा जाए आपके लिए, हाँ आपके लिए ये जिसकी भी आप करोगे, यूपीपीएससी में आपका एपीएस का भी कोर्स चल रहा है, आपका आरओ एआरओ का भी कोर्स चल रहा है, इवन आपका एएसटी में भी आरओ एआरओ का कोर्स चल रहा है, तो ये सारे ही कोर्स, ये प्रीकम मेंस बैच है, ये आपका पुराना बैच है जो एक बार हो चुका है। और यही नहीं, आपका अगर एएससी में भी देखोगे ऑल कोर्सेस में, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आरओ एआरओ का बैच आपका चल रहा है, ये आपका एएससी आरओ एआरओ है। तो मेन आपके लिए मुख्य रूप से जो अभी प्रेजेंट में करंट बैच चल रहे हैं वो एएससी आरओ एआरओ, यूपीपीएससी आरओ एआरओ और यूपीपीएससी का एपीएस 2023 तीनों बैच चल रहे हैं। ये बैच बहुत ही लाजवाब है, सैकड़ों की संख्या में बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने परीक्षा प्लस पे विश्वास जताया है और विश्वास जताने लायक है भी, क्योंकि इस बैच को मैं जितनी व्याख्यान करूं उतना कम है। और इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे ज्यादा एपीएस का सिलेक्शन इस बैच से देने वाले हैं हम लोग। इसमें आपको जो इसकी मुख्यता आपको बता दूं कि क्या है इसमें, एक्चुअली ये बैच जो आपके लिए लाया गया था, मैं आपको पहले बोला था ये हाइब्रिड बैच है, मतलब अगर आप एपीएस का पैटर्न देखोगे तो इसमें आपका क्या है, आपका जो जीएस बात वैसे जीएस नहीं पूछता है जो पारंपरिक तरीके से, इसका उसमें 10 टॉपिक लिख दिया है और इसमें एब्रिविएशन वगैरह स्टैटिक पार्ट ज्यादा पूछता है, जीएस में ज्यादा मेहनत नहीं है। इसमें जो मेहनत है वो पत्र लेखन वगैरह, मतलब जो आप आरओ एआरओ की तैयारी करते हो ना जो मेंस की, वो लगभग आपका यहाँ पे होता है, आपका जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, परंपरागत जो पेपर होता है वो आपका यहाँ पे पेपर होगा। इसमें आपकी सारे जो जीएस टॉपिक है उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है, लाइव दी जा रही है उन्हीं की रिकॉर्डेड दी जा रही है, सारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम है, बहुत अच्छे स्टडीज में सारे कंटेंट देख सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीजें आपकी फेल लगी है, पत्र लेखन की पूरी वीडियो यहाँ पे उनकी पीडीएफ लगी हुई है, आप मॉडर्न हिस्ट्री देखोगे या हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, कोई भी अगर आप देखोगे यहाँ पे पत्र के प्रकार यहाँ सारे चल जाए। और ये तो आपकी केवल वीडियो क्लासेस है, इसके अतिरिक्त आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाता है जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिया जाता है, जो चीजें आपको बागी करनी है वो चीज आधी से आपको अभ्यास कराया जा रहा है कि आप यहाँ पे पत्र लिखना सीखो, आप निबंध लिखना सीखो, आप हिंदी मुहावरों को लिखना सीखो, उनका प्रयोग लिखना सीखो। सुबह आपको 10-11 बजे क्या दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, बच्चे शाम तक उसका उत्तर देते रहते हैं व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उनकी कॉपियां जो हमारे टीम के
जो फैकल्टी है वो आपकी कॉपी चेक करते हैं और उसके बाद रिव्यू देते हैं कि ये कहाँ पे कौन सा बच्चा गलत कर रहा है, कौन सा बच्चा सही कर रहा है। तो एक कहावत है ना कि आप अगर अपनी गलती से सीखते हो तो आप ठीक है, इंसान की कैटेगरी में आओगे या आप नॉर्मल हो, लेकिन अगर आप दूसरों की गलती से सीखते हो तो आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाते हो। तो ये जो आपका हाइब्रिड बैच चल रहा है ना, एक बच्चा गलती कर रहा है उसका रिव्यू दिया जा रहा है, तो आप सभी को पता चल जा रहा है कि हाँ भाई इस बच्चे ने गलती किया, ये गलती हम ना करें। तो आप कहीं ना कहीं बुद्धिमानी की कैटेगरी में आपके आओगे और वो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद होता है। सारी क्लासेस उनकी पीडीएफ भी दे दी जाती है, जैसे कुछ भी कोई भी भारत के भौतिक प्रदेश, अगर यहाँ पे मैं केवल एक क्लास की पीडीएफ आपको दिखा दूं कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है, वीडियो तो यहाँ पे दिखाने का संभव नहीं है, लेकिन पूरा मैपिंग के माध्यम से पूरा भौतिक प्रदेश क्या कैसे बना है, सारे पैटर्न क्या है, एक एक चीज पूरा मैप के माध्यम से जो भी बेहतरीन तरीके से हो सकता है वो आपको पूरे का पूरा क्लास में समझाया जाता है। ऐसे ही आपका आरओ एआरओ का बैच है और ऐसे ही आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का बैच है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक चीज दिमाग से निकाल देना कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करोगे, तब होगा, तब नहीं हो पाएगा, आपको 4-5 महीना पहले से लगना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी सीरियस होकर अच्छे से अभी से चालू कर दोगे। टीम से जुड़ना चाहते हो, परीक्षा प्लस से जुड़ना चाहते हो, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे हमारे इन बैचों से क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ये हाइब्रिड बैच है जिसमें आपका पत्र लेखन सारा कराया जा रहा है, ऐसे आपका यूपीपीसी आरओ प्लेस मेंस प्री कम मेंस आपका कराया गया, इसमें भी हाइब्रिड बैच ही कराया गया, अभी से आपका अभ्यास कराया जाएगा और प्रीलिम्स को तो आपको ज्यादा फोकस करा ही जाएगा। और अलावा हाईकोर्ट आरओ आरओ में जो उसका पैटर्न होता है, सिलेबस तीनों के लगभग सेम है, यहाँ पे जीएस थोड़ा सा बदला, इन दोनों की जीएस एकदम सेम है और इन दोनों की हिंदी एकदम सेम है। तो ये तीनों ही तैयारी आपकी एक ही तैयारी के प्रारूप पे है और अगर आप कर रहे हो तो मैं इस बात को आपसे बोलूंगा कि भाई आप लोग पूरा दम लगा दीजिए, बहुत अच्छा चांस है। एक ही तैयारी पे, एक ही जैसे तैयारी पे तीन बड़े पद हैं और तीनों पे अपना अपना ठप्पा लगा हुआ है, अपनी अपनी मोहर लगी हुई है। तो ये आप अगर अभी मौका चूकते हो, देर करते हो, तो शायद फिर ये मौका दोबारा जीवन में ना आए। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, कोर्स से जुड़ना है तो परीक्षा प्लस ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।